Munchkins, welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? I hope you guys are doing absolutely amazing. Today is 22nd September and आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है. You can see the glow and the smile on my face. If you did not know, मेरा ब्रांड द्री बाई हिमाद्री, which is a clothing brand, it launched officially on the internet on 4th October last year. October आने ही वाला है, so it's going to be officially द्री का first birthday and I am so happy, so excited and it feels so special, you know, like building something from scratch, learning everything from scratch and जिस चीज को मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, it has officially turned one. एक साल का honestly पता नहीं चला. This one year was full of roller coaster. इतने ups and downs, इतना रोना, इतनी खुशियाँ. I learned so much. I grew as an individual. मेरी knowledge इतनी ज़्यादा बढ़ी. Honestly पता है, अगर द्री नहीं होता first place में, maybe my knowledge अबाउट बिजनेस अभी मैं बढ़ा ही नहीं पाती, बिकॉज ऑब्वियसली अगर बिजनेस ही नहीं होता तो मेरे को बिजनेस के बारे में क्या ही पता चलता. आई जस्ट लव दिस ब्रांड, आई चेरिश इट सो मच. अगर आपने नोटिस किया होगा ना, लास्ट ईयर अराउंड 4th October itself और अराउंड द लॉन्च टाइम, आई डिड नॉट हैव एन ऑफिशियल लॉन्च पार्टी, विच इन फैक्ट यू डिड नॉट नो. मैंने सब कुछ व्लॉग कर रखा है बट आई नेवर एंडेड अप पोस्टिंग, बिकॉज आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है. थिंग्स गॉट अ लिटिल हीटेड, अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट वेरी हैप्पी विद द प्राइस पॉइंट. सो उसके कारण ना मेरे अंदर कभी वो हिम्मत आई नहीं इतने सारे व्लॉग्स एडिट करने का, बिकॉज पूरा प्रोसेस मैंने व्लॉग किया है, पूरा शूट, पूरा वेबसाइट कैसे डेवलप किया है, सब कुछ मैंने व्लॉग्स बना रखे हैं. जब कुछ जी जान से कुछ करते हैं एंड जब थिंग्स डू not go as per plan, it really affects one mentally. But because launch ke baad काफ़ी हेट आया, काफ़ी हीटेड था सब कुछ, मैंने अपना लॉन्च कैंसिल ही कर दिया था एंड आई नेवर रियली गॉट टू सेलिब्रेट माई ब्रांड. इस 4th को व्हेन द्री इज टर्निंग वन ऑलरेडी, सॉर्ट ऑफ एक लॉन्च पार्टी कम फर्स्ट बर्थडे जैसा कुछ होगा. आई टेल यू गाइज एवरीथिंग, क्या क्या मैंने प्लान कर रखा है, मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ. आफ्टर 2 hours पिंपल पैच लग चुका है मेरा भी. आई जस्ट गॉट ऑफ अ कॉल, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट कॉल थी एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट कन्फर्मेशन सो मैं आप लोगों से आगे बात कर सकूँ. हम एक बर्थडे पार्टी थ्रो कर रहे हैं here in Dehradun itself and I'm going to call all my close friends, family and with that I will be also calling followers from Dehradun itself. मैंने काफी सारे जगहों को pitch किया था about this idea. एक जगह से मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया था. वी वेंट देयर, वी मेट द ओनर्स, वी डिड एवरीथिंग, सब कुछ काफी अच्छा था. आई गेस द मीटिंग वॉज प्रीटी गुड. केप्ट अस वेटिंग फॉर अप्रॉक्स लाइक 5-6 days. मैं नाम नहीं लूंगी इस जगह का, बट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी द वे दे took things further. What last minute they said no. Finally आज अभी just हमने confirm कर दिया हमारी booking and I'm so excited. Tomorrow we'll go there to that place. मैं आपको दिखाऊंगी कल लेकर जाकर. And what else? आज invites भी बनेंगे by the way. तो कुछ सॉस samples वगैरह आएंगे तो मैं आपको यहाँ पे display कर दूंगी दिखाने के लिए कि हमारे samples कैसे लग रहे हैं. We are at my bar. मैंने कहा था ना आज हम venue वगैरह check करेंगे, बात बात करेंगे. So I'll show you guys the venue. अभी 12 बज रहे हैं ऐसा कुछ. ऐसा है ये. आई रियली लाइक दिस सिटिंग एरिया, काफी बड़ा है एंड वहाँ पे वी कैन हैव लाइक द डीजे, मे बी लाइक द डेकोर समवेयर लाइक दैट. वहाँ से लोग आएंगे और सीधा यहाँ जाएंगे ना, व्हाई वुड दे एंटर दिस एरिया? आई फील इट्स प्रिटी गुड यार, इट्स वेरी क्लोज, मतलब बस यही तो एरिया है. तो एक तो ये वाला एरिया है, हमें ये वाला एरिया ही पसंद आया था. अंदर वाला एरिया तो इट्स टू बिग एंड इट मेक्स नो सेंस, बिकॉज वॉकिंग कस्टमर्स भी आएंगे सो इट वोंट लुक नाइस कि बहुत सब कुछ मिंगल विंगल हो जाएगा. सो अभी हम ऊपर वाला एरिया दिखाते हैं, टेरेस वाला जहाँ पे हम एक्चुअली बैठे थे उस दिन प्रशांत में ऑफ करते थी एंड वी रियली एंजॉयड इट. उस दिन लाइव म्यूजिक था बट या सो ऐसा कुछ है या है तो ये भी अच्छा. हाँ एंड सामने ना पूरा यहाँ पे मसूरी दिखता है तो शाम के टाइम पे ना यहाँ पे पूरी लाइट्स होंगे अगर क्लियर स्काई हुआ. व्हाट डू यू थिंक डेकोर का? या यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे सामने ये यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीच वीच भी तो देना है ना मेरे को, कुछ तो बोलूँगी ना यार, तो बहुत बदतमीज है, कुछ तो बोलना बनता है कि थैंक यू फॉर कमिंग, ये हो गया वो हो गया. प्रॉब्ली लाइक इस एरिया में डेकोर एंड वी आर थिंकिंग ऑफ समथिंग सर्कुलर में. ये टेबल हट जाएंगे? हाँ मतलब ये सब यहाँ पे उधर खिसक जाएंगे और ये पूरा लंबा टेबल बन जाएगा आप ये कह रहे हो. देखिए ये एक लाइट ये है, एक उधर. हाँ मैं ऐसी लाइट्स की बात कर रही थी कि वो न्यून लाइट है. अच्छा वार्म लाइट, वार्म लाइट. एक्चुअली इस एरिया में थोड़ी सी लाइट कम है तो हम सोच रहे थे कि अगर वो और लाइट्स ऐड कर सके. Hi everyone, it is 25th today. Clearly I'm at the studio and khushkhabri, I got my laptop today.
वैसे तो टिपिकली लाइक उन्होंने बोला था 29th जैसे मैंने वीडियो में बोला था, बट आज सुबह उनका कॉल आया और उन्होंने कहा मैम आज मदर बोर्ड आ गया तो आज मिल जाएगा. सो आई गॉट माई लैपटॉप, आई एम सो हैप्पी. एकदम नया हो गया है मेरा, कुछ भी नहीं है जैसे लाइक द वे आई हैव कस्टमाइज्ड माय लैपटॉप बिफोर, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम स्क्रैच से करना पड़ रहा है. सीन ये हुआ था दैट देहरादून में काफी मॉनसून था एंड मॉइस्चर वगैरह के कारण मदरबोर्ड में एक डॉट ग्रीन मॉइस्चर आ गया था एंड उसके कारण मेरे को पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ा. 4 तारीख का तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है पार्टी हो रही है एंड टूडे वी हैव डिसाइडेड अ लिस्ट ऑफ 10 पीपल, होपफुली RSVP आ जाए सो वी हैव लाइक अ बेटर विजन की कितने लोग आ रहे हैं कितने नहीं. एंड शायद कल तो हमारा फूड टेस्टिंग भी है, हम मेन कोर्स भी डिसाइड करके आएंगे, जो ड्रिंक्स है वो भी डिसाइड करेंगे कि क्या है एंड क्या नहीं. एंड करेंटली आई एम वर्किंग ऑन द इनवाइट. कॉल करने के बाद दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि इसमें ही कुछ इधर उधर कर देते हैं फॉन्ट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये स्मोक है ये रेड कैसे होगा. नहीं मतलब मैं टेक्स्ट को कर सकती हूँ. देखो इफ आई क्लिक ऑन दिस यहाँ पे नहीं आ रहा है इसमें, या तो एडिट इमेज में आ रहा है या तो मैं ऐसे करके चेंज कर सकती हूँ. इसको आई कैन कस्टमाइज, सोचिए इसको रेड करके इसको पूरा गोल्डन कर देते हैं. इधर ऐसा नहीं लग रहा किसी के पीरियड्स चल रहे हैं. स्लो मेरे घर में भी बहुत स्लो चल रहा है दिनों से यार. क्या कहता स्पार्कल Hi, it is the next day. I am going for the meeting. Chand is here to pick me up because mummy car lekar gayi hai studio and of course mummy bahut kaam aam chal raha hai wedding collection ka. Ooh, thanks. तीन चार चीज़ बनवा देते हैं जो पसंद है. ठीक है सो अभी हम यहाँ पे आए. My bar. So the food menu goes like this. ये 3 वेज रखे हैं, 2 नॉन वेज. 3 वेज में एक है कुरकुरे कबाब, पनीर टिक्का अचारी एंड चिली मशरूम. सो इफ वी हैव लाइक वैरायटी, अगर मे बी लाइक इसको मशरूम नहीं पसंद तो पनीर खा सकते हैं, पनीर नहीं खाता तो वो मशरूम खा सकते हैं. कबाब इज ऑल्सो देयर नॉन वेज सेक्शन के लिए बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डू ईट नॉन वेज. उनके लिए 2 ऑप्शन है, चिकन टिक्का. तुमने कुछ देखा नॉन वेज का सेक्शन? मैं अफगानी टाइप का कुछ देखा था बट है नहीं. अच्छा क्रीम बेस्ड. ओके सो चिकन टिक्का है एंड बारबेक्यू विंग्स. कैसे होते हैं बारबेक्यू विंग्स? इज इट लाइक KFC? सॉर्ट ऑफ. नहीं नॉट उतना. टिक्का इज लाइक पनीर टिक्का जैसा ऐसे में आता है स्टिक में है ना. नहीं विद दिस वी हैव सॉफ्ट ड्रिंक्स फॉर पीपल हु डू नॉट वॉन्ट टू कंज्यूम एल्कोहल. वी ऑल्सो हैव मॉकटेल्स लाइक मोहितो एंड मे वन स्ट्रॉबेरी बेस्ड मॉकटेल. एंड अभी जो लाइक जो लिकर है उनका वो थोड़े से 3-4 वैरायटी के टेस्टिंग करा रहे हैं क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू कीप वेरी समथिंग दैट इज सुपर सुपर स्ट्रॉन्ग बट आई डोंट वॉन्ट कि ना कोई पी और का मुंह बन जाए कि ये तो बहुत वैसा है. सो आई वॉन्ट समथिंग लाइक वेरी ईजी टू डाइजेस्ट एंड ईजी टू ड्रिंक वाला ड्रिंक सो पीपल कैन ऑल्सो इन्जॉय. दिस इज कॉस्मो. दिस इट इज टॉम्पलिन. ओके दिस इज वोडका बेस. नहीं जिन बेस्ड. एंड दिस इज वोडका बेस. तो ये 2 वोडका है, 1 जिन्नी है. We can change the color of this drink. I find nice. Ah, this is one of the best drink. Ladies' favorite drink. हाँ मतलब इतना भी strong नहीं है. Strong नहीं होता ये 3 sip drink होते हैं वैसे. 3 sip drink मतलब 3 sip में खत्म हो जाती है. करनी होती है. मैं इसको 10 sip में खत्म करूँगी. नहीं 10 sip में करो आप कोई दिक्कत नहीं. Okay हाँ मैं वैसे 2 try कर रही हूँ. That's Prashant by the way. He's a friend. He's a videographer, photographer. Okay. And he's a very good friend. ये है मेरा फेवरेट. ये तो फाइनल कर दो. फ्लेवर डेप्थ नहीं है. तो देयर इज अ न्यू ड्रिंक की बहुत सुंदर लग रहा है. ये कौन सा है? अच्छा ये वाला भी चेंज कर. मैंने कहा हल्का सा स्वीटर साइड थोड़ा सा रखा जो भी कॉफी हो सके. हां है ना नाइस. वी डू लाइक दिस एंड कॉस्मो. बॉक्स ये अच्छा है. ये भी अच्छा है. मुझे ये भी अच्छा लग रहा है.
अब तीनों में से जो आपके लिए डूएबल है। ओके सो वी आर हियर फॉर द डेकोर। सो देयर इज दिस एरिया राइट हियर बट देन फिर यहाँ पे माय बार का बहुत प्रोमिनेंट डिजाइन है, लोगो है, सो आई डोंट थिंक सो इतना अच्छा लगेगा। दिस स्पेस राइट हियर यहाँ पे, बट फिर ये है कि वहाँ से लोग एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे बहुत ज्यादा वियर्ड लगेगा। एंड व्हाट वी डिसाइडेड वाज कि लोग कैसे दिखाऊं मैं, लोग ऐसे सीधा आएंगे एंड यहाँ पे सेटअप होगा। ये हमारा फूड है जो हम टेस्ट करेंगे, दिस इज कुरकुरे कबाब एंड दैट्स चिकन विंग्स, चिकन विंग्स चाइनीज वर्जन। हर ब्लॉग में बोलती हूँ दैट आई एम फ्रॉम देहरादून, स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल थिंक आई एम फ्रॉम मुंबई। सो जब भी जब मुझे रास्ते में कोई मिलता है आप मुंबई से यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने कहा भाई मैं यहीं पर रहती हूँ यार, बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट आई बिलोंग फ्रॉम देहरादून। आई डोंट नो व्हाट इट इज, मे बी लाइक माय फ्रेंड्स भी मुंबई के एंड आई फ्लाई वेरी फ्रीक्वेंटली टू मुंबई, तो मे बी दैट्स व्हाई आई डोंट नो। बट देहरादून इज लाइक लिटरली ग्रोइंग एट दिस पॉइंट कॉन्टेंट क्रिएशन के मामले में, हाँ, बट फूड सेक्टर में इट्स बूमिंग मच मोर। हाँ यस दिस इज अ दिल्ली ब्रांड, रास्ता आ गया है, निक बेकर्स आ गया है और कितनी सारी चीजें खुल रही हैं यहाँ पर, सोशल्स आ गया है, काइलन आ गया है, सब कुछ आ गया है, बस ज़ारा आने की तब कमी है, मैं बस वेट कर रही हूँ जिस दिन ज़ारा खुलेगा मेरा दिन कंप्लीट हो जाएगा। पूरा प्रॉपर ड्रेप कर रही हैं वो, फिटिंग करेंगी। सो बेसिकली हमारे पास तीन चार फैब्रिक्स हैं, एक ये है, इट्स वेरी ज्योमेट्रिकल, इसमें ऐसे ऐसे के लाइंस हैं। द अदर वन इज दिस, आई रियली लाइक दिस कलर, इसका ब्लिंग बहुत ज्यादा सुंदर है। ये सारे कपड़े हम दिल्ली से लेकर आए थे, इस दिल्ली का थोड़ा सा थीम गोल्डन एंड सिल्वर डेकोर के टूवर्ड्स हो रहा है, सो वेयरिंग अ ब्लिंगी आउटफिट इज व्हाट आई वांटेड। एंड अगर मैं ऑनलाइन खरीदूँ तो बहुत महंगे हैं, सो इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम स्क्रैच, काफी कपड़ा है हम पे, ये अच्छा खासा है। ये फर्स्ट ऑप्शन है गाइस, दिस इज The first fabric. Zip? Zip रखेंगे? हाँ, कैसे हाँ, साइड में करते हैं ना, नहीं नहीं बैक में कर, तो कंफर्टेबल होगा उतारने में ना, और इसके हैं बीड्स, ऊपर से पहनने में तो को तकलीफ ही होगी, पीछे ये, और तू जहाँ जितना भी डीप करना चाहती है उतना रख। अगर स्ट्रैप्स रखेंगी तो मैं डीप कर सकती हूँ, अगर मैं स्ट्रैपलेस जाऊंगी तो हम डीप नहीं कर सकते। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज्यादा प्रिटी। इवेंट का डेकोर करने के लिए आई मेट इशिता फ्रॉम द वेडिंग मेकर्स, दे आर बेस्ड फ्रॉम देहरादून इटसेल्फ। अब मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हो ना, जिस टाइम पे हम पहुंचे थे सब कुछ डिसाइड करने के लिए, ऑलरेडी एक फ्रेशर्स पार्टी चल रही थी, सो बहुत ज्यादा नॉइजी था। बट बेसिकली हम जब यहाँ पे पहुंचे थे हमने सब कुछ डिसाइड किया कि किस एंगल पे हम अपना प्लेटफॉर्म रखेंगे, डिजाइनिंग एंड कलर स्कीम पूरा। आज फोर्थ है, दैट मीन्स आज द्री का फर्स्ट बर्थडे है, विद दैट इट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट एवर मीट एंड ग्रीट। मैं सुबह 8 बजे उठ गई थी क्योंकि मेरी ड्रेस रेडी नहीं है, इसलिए इट इज लाइक लिटरली चड्डी तक एंड लाइक दैट इज नॉट क्यूट, लाइक आई कांट लेट पीपल सी माई चड्डी, यू नो ड्रेस नीड्स टू बी फिक्स्ड। अगर वो ड्रेस फिक्स नहीं होती आई नीड टू फाइंड अ बैकअप आउटफिट। कल दीदी और मैंने जाके नेल्स करा लिए, दीदी परसों आ गई थी, ऑनेस्टली मेरा मन नहीं था कराने का नेल्स, पर दीदी वॉज लाइक मैं आई हूँ इतने दूर से और नेल्स कराएंगे साथ में, सो हम दोनों ने नेल्स कराए एंड हम लोगों के नेल्स ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड देखो इतना स्ट्रेस हो रहा है ना कि मेरा पिम्पल निकल आया यहाँ पे। हमारी गेस्ट लिस्ट फाइनल हो गई थी लास्ट मोमेंट में, आई डिड एक्सपेक्ट कि थोड़े से लोग बैकआउट करेंगे एंड अ फ्यू पीपल डिड, बट इट्स फाइन, लाइक पर्सनल रीजंस, किसी को डेंगू हो गया, किसी को लग रहा है हम स्कैमर्स हैं, सो प्रगति इज द वन हु इज इन टच विद ऑल दीज पीपल सिक्योरिटी रीजंस, बिकॉज हम 20+ लोगों को ही बुला रहे हैं बिकॉज वहाँ पे ड्रिंक्स एंड ऑल है। सबके आईडी कार्ड्स मंगवाए हैं टीनेजर्स एंड सबके लिए ओपन वाला ना मीटिंग इट हम कभी और टाइम करेंगे, बिकॉज रात का भी इवेंट है, थोड़ा सा सेफ्टी एंड ऑल भी देखना होता है। हमने जब आईडी कार्ड्स मांगे लोगों को लगा कि मे बी हम स्कैमर्स हैं इसके लिए, बट हमने इवन दो बताया भी दैट इट वॉज फॉर एज वेरिफिकेशन एंड दे ड्रॉप्ड आउट, सो आई मीन लाइक इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट अब क्या करें। छोला इतना बड़ा छाले का मेरा गला खराब है, मैं आपको अपनी नील सिखाऊँ ऐसे आता ना कौशला हाले इसी हाले भूको को क्लोज इसी। मैं प्रगति भान दीदी यहाँ पे डेकोर चेक करने आए हैं। वेलकम टू द मोस्ट अवेलिंग मीटिंग ग्रीट विद हिमाद्री, फर्स्ट बर्थडे ऑफ दिव्या माधुरी। यही एंगल रखे हैं हम, टू ऑप्शन ऐसे भी इसको बॉल्स मैं सोच रही हूँ कि साइज में प्लेस करूँ। ये प्रॉप्स हैं यहाँ, छोटे छोटे बड़े बड़े सारे साइज में, मतलब लाइक स्मॉल। सो नाइस, आई लव दिस, बहुत प्यारा लग रहा है ये।
उस दिन हम बात नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत शोर शराबा और बच्चे दंगे हो जा रहे थे. दैट्स इशिता फ्रॉम वेडिंग मेकर्स एंड शी इज हेल्पिंग अस विद द डेकोर. सो बेसिकली ये गोल्डन बैकग्राउंड लगेगा, साइड्स में बलून एंड डिस्को बॉल्स. जैसे मैं क्या करूँ, ये छाले हो गए जैसे आप आए. सो इनका सोल्यूशन है इस छाले का कि मैं नमक लगा दूं कि उसके अंदर से जूसेस निकले. जूसेस नहीं निकलते, it just becomes numb and it's dead. पेन निकल जाए आपका. Yeah, the pain is like. You know that 10 मिनट का पेन will be पूरे साल का पेन. So 10 seconds का, 10 seconds का जो पेन. Seconds तो नहीं दीदी, this is seconds. Okay, I'm more experienced than you, right? ये बंदी है जिसको इंजेक्शन ठोकने में मजा आता है. क्या बोलेगी कल मम्मी को, ऐसे कह रही. ओके सो सब आ गए हैं. यहाँ पे पीछे नैना है, दीदी इज रेडी. दीदी अपना हेयर स्टाइल दिखाओ. पीछे आओ, पीछे 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 झुको 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 और झुकना पड़ेगा झुक. हाँ दीदी का ये है थोड़ा सा एरियाना ग्रांडे. लग नहीं रही दीदी के अपने बाल, मतलब इतने अच्छे लग रहे हैं. हैवी ऐसा लग रहा है दीदी, एक्सटेंशन लग रहा है. नहीं क्योंकि लाइक यूजुअली एक्सटेंशन से ये इतना अच्छा वॉल्यूम आता है, बहुत अच्छा लग रहा है. इसका कोई आउटफिट ही नहीं डिसाइड हुआ, पता नहीं. वैसे तो मेरा आउटफिट भी डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि ये जो ड्रेस है ना, ये प्यारी सी जो पीछे पड़ी हुई है, ये बहुत छोटी निकल के आई. सो अभी आई एम गेटिंग रेडी. 6:30 हो रहे हैं. हेलो एवरीवन, आई एम भानुप्रिया. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम टुगेदर हियर टू सेलिब्रेट अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, the 1 year anniversary of our brand Didi Bhai Madhuri. Punchkins, thank you all for being here today. It's an absolute pleasure to see so many familiar faces and new ones as well. All right everyone, I am ready. In fact, hum sabhi ready hain. Prashant ka bhi outfit abhi khareed ke aaya hai wo. He just copied. Hi Munchkins. Hi Munchkins. Yeah, itni gandi awaaz nahi bolti. And this is my fit. My dress is very tiny, so I have to be like very conscious while walking and doing stuff. पीच पड़ रहा है. मैंने अपनी थोड़ी सी ऐसे ऐसे मैं भी तुतला रही हूँ. हम पहुंचने वाले हैं 5 मिनट में. आई फील मुझे बहुत घबराहट हो रही है. लाइक आई यूजली डोंट रिएक्ट लाइक दिस, मतलब मैं बहुत सारे इवेंट्स में गई हूँ या व्हाटएवर एंड बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ, बट आई डोंट नो टुडे आई फील वेरी 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 नर्वस. द मिनट और एंड वी विल रीच. अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इट इज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू सी सो मेनी फेमिलियर फेसेस एंड न्यू वंस एज वेल. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सिंसियर एप्रिसिएशन फॉर योर लव एंड सपोर्ट. विदाउट यू ऑल ऑनेस्टली मैं आज यहाँ पर नहीं होती. आई डोंट वॉन्ट टू क्राई. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू गाइज डिड. विद दैट बीइंग सेड, इट्स अ स्पेशल डे फॉर ऑल
here because we gather here to celebrate Dree's first birthday. So let's raise a toast. Let's raise a toast, everybody! डिनर कर लिया हमने वहाँ पे, सब बाकी लोग डिनर कर रहे हैं। मैंने डिनर कर लिया। क्या है ये? हमने मेट्रो कार्ड लिया था। ये दुबई का मेट्रो कार्ड है। मेमोरीज। क्यों, हमें तो मेट्रो इस्तेमाल भी नहीं किया था। निकले थे वो गंदे से माफी मॉल। अच्छा हाँ, वो बहुत गंदा मॉल था। मॉर्निंग एवरीवन, इट इज द नेक्स्ट डे। सो मैं क्विकली बता दूँ, रात को हम बहुत ज़्यादा लेट आए। आई स्लेप्ट अराउंड 3, हम 1 बजे घर पहुँचे हैं एंड वी वर डेड टायर्ड। हमने इतना डांस किया। येस्टरडे वॉज सो ब्यूटिफुल, आई किड यू नॉट, इट वॉज यू नो लाइक वन ऑफ द बेस्ट डेज एवर। आई गॉट टू मीट सो मेनी स्वीट पीपल। ऑनेस्टली लास्ट मिनट में बहुत सारे बैकआउट्स थे, मतलब ऑलमोस्ट 15 लोग तो आए नहीं, जबकि उन्होंने सुबह कन्फर्मेशन दिया था दैट दे विल कम, एंड इट वॉज लाइक रियली सैड बिकॉज आई वॉज ऑनेस्टली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देम। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, जब भी आप लोग कन्फर्मेशन देते हो ना इवेंट के लिए, प्लीज़ आया करो, बिकॉज जो होस्ट कर रहा होता है ना इवेंट, उसके दिल में बहुत उम्मीदें होती है दैट ऑफकोर्स आई एम होस्टिंग पीपल एंड आई विश टू मीट यू गाइज। एंड बहुत दिल से मैंने इवेंट रखा था एंड अ लॉट ऑफ यू गाइज बैकड आउट। इट वॉज लाइक really sad, like so good, so sweet, and they also gave me some like cute gifts, so abhi main use kholungi. To mereko kuch gifts diye hai and oh it's so cute. Mera face bahut puffy ho rakha hai kyunki aaj bahut late uthi thi, main bahut late soyi thi. Oh that's so cute, that is such a cute photo frame. Thank you so much Saiba and Laiba, this is so cute. It's again from Laiba and Saiba. ये fragrance वाला है, a lot of you guys might be knowing that I love scented candles, and अगर आपने ये सोच कर मुझे दिया है that's the sweetest gesture ever. Okay, I got a lot of bouquets. वो सारे bouquets मम्मी ने बाहर लगा दिए हैं क्योंकि वो फिर मुरझा जाते. If you are watching the video and you joined us, I swear, I kid you not, I couldn't be more grateful. Thank you for being a part of my journey and Dree's journey as well. And if you enjoyed watching this video, hit the like button, share, comment, and subscribe to my channel. And I'll see you guys in the next video. Bye.